द एडवाइस एंड सक्सीडेड, उसके बेटे ने सलाह लिया और सफल हुआ। टुक द एडवाइस, फ्रेज की तरह आप याद कर लेंगे, उसका बेटा ने सलाह लिया और सफल हुआ। व्हेन यू सक्सीड, जब आप सफल होते हैं, पाइंस ऑफ ग्लोरी आर संग टू यू, पाइंस मतलब होता है जीत के गीत, जीत के गीत। तो जब आप सफल होते हैं तो आपकी सफलता की खुशी में जीत के गीत गाए जाते हैं। ग्लोरी मतलब गौरव, ग्लोरी मीन्स आर संग टू यू, आपके लिए गाया जाता है। ए पाइन इज अ जॉयस, जॉयस मतलब खुशी वाला, सॉन्ग ऑफ प्रेज, प्रेज मीन्स प्रशंसा, थैंक्स धन्यवाद, और विक्ट्री विजय। इन ऑर्डर टू सक्सीड, सफल होने के लिए, इन ऑर्डर टू मतलब के लिए, इन ऑर्डर टू सक्सीड, सफल होने के लिए, यू मस्ट बी क्लेवर एज वेल एज पेन स्टैकिंग, आपको चालाक भी होना चाहिए और चालाक होने के साथ साथ पेन स्टैकिंग, पेन स्टैकिंग का मतलब होता है सावधान। इफ यू आर पेन स्टैकिंग, अगर आप पेन स्टैकिंग है, यू आर वेरी केयरफुल, आप बड़ी सावधान हैं और थॉरो, कोई भी चीज को पूरी तरह से करते हैं, तो पूरा ध्यान देते हैं। Once you have succeeded, एक बार जब आप सफल हो जाते हैं, you may allow yourself some freedom, तो आप अपने लिए स्वतंत्रता दे सकते हैं। You may paint the town red, आप शहर में घूम घूम करके मौज मस्ती कर सकते हैं, enjoy कर सकते हैं। फ्रेज है paint the town red, मतलब मौज मस्ती पर करना, घूम शहर में अलग अलग जगहों पर जाके, enjoy करने वाले जगहों पर जाके घूमना। If you paint the town red, अगर आप पेंट द टाउन रेड करते हैं, मतलब यू गो आउट, आप बाहर निकलते हैं, एंड हैव एन एक्सट्रीमली गुड टाइम, और आप बहुत अच्छा समय बिताते हैं, अत्यधिक अच्छा समय बिताते हैं। यूजुअली टू सेलिब्रेट समथिंग, खास करके किसी चीज को सेलिब्रेट करने में, किसी चीज को मनाने में। संगीता टर्न्ड पेल, संगीता पीला पड़ गई, तो ये पीला, पीला पड़ना होता है बीमार जैसा हो जाना, पीला पड़ना, बीमार जैसा हो जाना। संगीता टर्न्ड पेल एट द साइट ऑफ ब्लड, ब्लड की देखते ही, देखते ही, साइट मतलब दृष्टि होता है, तो ब्लड की दृष्टि पड़ते ही, मतलब ब्लड की नजर पड़ते ही, संगीता बीमार सी हो गई, पीला पड़ गई। दैट विच इज पेल इज वेरी लाइट इन कलर, जो भी चीज पेल होता है वो बड़ी हल्के रंग का होता है। इट इज ऑलमोस्ट वाइट, ये लगभग उजला जैसा हो जाता है। If you turned or look pale, अगर आप pale बन जाते हैं, your face looks a lighter color than usual, आपका चेहरा हल्के रंग का हो आता है, साधारण तौर पे जैसा होता है उसकी तुलना में। Because you are ill, क्योंकि आप बीमार होते हैं, frightened डरे होते हैं, और shocked सशंकित होते हैं। Therefore, इसलिए if something pales, अगर कोई भी चीज pales करता है, यहाँ verb का use किया गया है, इट बिकम्स डल, तो यह डल हो आता है, हल्का मतलब बोरिंग हो आता है, सुस्त हो आता है। इफ ए पेल्स बिसाइड और इन कंपैरिजन विद बी, इनसिग्निफिकेंट मतलब होता है अमहत्वपूर्ण। इफ ए पेल्स beside or in comparison with B, मतलब A is made to seem much less important, serious or good by B, तो B की वजह से तो A बन जाता है कम महत्वपूर्ण, कम गंभीर या कम अच्छा B के द्वारा। A pales besides or in comparison with B, मतलब यहाँ हो गया pales मतलब क्या, कमजोर पड़ जाना, फीका पड़ जाना। संगीताज फियर एट द साइट ऑफ ब्लड वॉज पल्पेबल, संगीता की जो डर थी ब्लड को देख करके, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा था, समझ में आ रहा था।
पल्पेबल था मतलब स्पष्ट था। इफ समथिंग इज पल्पेबल इट इज ऑब्वियस या स्पष्ट है और इंटेंस तीव्र है एंड इजिली नोटिस्ड और आसानी से इसे देखा या समझा जा सकता है। आई डोंट नो व्हाई संगीता पेल्ड, मुझे नहीं मालूम संगीता क्यों डर गई, क्यों ऐसे बन गई। देयर वर ओनली ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, केवल कुछ ही बूंद खून के थे। ए पाल्ट्री, पाल्ट्री मतलब होता है तुच्छ, बहुत कम अमाउंट। पाल्ट्री इज यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग दैट यू कंसीडर टू बी वेरी स्मॉल और अनइम्पोर्टेंट। पाल्ट्री उस चीज को वर्णन करने के लिए आप करते हैं जो बहुत कम है या बहुत कम महत्वपूर्ण है, उसके लिए हम पाल्ट्री शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मिस्टर सेठ, ए रिच मैन, मिस्टर सेठ जो अमीर आदमी है, पैम्पर्ड हिज सन, उसने अपने पैम्पर्ड मतलब होता है लार प्यार देना, दुलार देना। मिस्टर सेठ ए रिच मैन पैम्पर्ड हिज सन, उसने अपने बेटे को ज्यादा दुलार दिया एंड स्पॉइल्ड हिम, उसको बर्बाद कर दिया। स्पॉइल्ड से मतलब स्पॉइल्ड मतलब बिगाड़ देना। इफ यू पैम्पर, अगर आप किसी को पैम्पर करते हैं समवन मतलब ज्यादा दुलार प्यार देते हैं, यू पे टू मच अटेंशन टू मेकिंग हिम फील कंफर्टेबल एंड हैप्पी, तो आप उस पे बहुत ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा ध्यान देते हैं ताकि वो आराम महसूस करे और खुश रहे। यू गिव हिम एक्सपेंसिव, सॉरी यू गिव हिम एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब महंगा। एक्सपेंसिव और लग्जूरियस, लग्जूरियस मतलब आरामदायक। गिफ्ट्स, उपहार, समटाइम्स दीज गिफ्ट्स हैव ए बैड इफेक्ट, कभी कभी इस गिफ्ट्स का बुरा असर होता है ऑन हिज कैरेक्टर, उसके चरित्र पर। पैम्परिंग योर चिल्ड्रेन इज नॉट ए पैनेसिया फॉर द ट्रबल्स दे क्रिएट। देखो पनेसिया ऐसे ऐसे की बहुत फेवरेट वर्ड है, पनेसिया मतलब रामबाण, रामबाण का मतलब क्या होता है, सभी बीमारी का एक इलाज। पैम्परिंग योर चिल्ड्रेन इज नॉट ए पनेसिया, बच्चे को दुलार प्यार देना ये रामबाण नहीं है, ये इलाज नहीं है, सोल्यूशन नहीं है फॉर द ट्रबल्स दे क्रिएट, बच्चे जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उसके लिए। ए पनेसिया इज दैट व्हिच पुट्स राइट ऑल ट्रबल्स solves all problems, panacea जो होता है वो सभी समस्याओं को ठीक कर देता है और सभी problems को solve कर देता है। In fact, if you pander to all their wishes, it opens a Pandora's box of new desires. in fact means वास्तव में, पहले भी आते हुए हैं। If you pander, pander means होता है satisfy, संतुष्ट करना। कहता है if you pander to all their wishes, अगर आप उनके सभी इच्छाओं को pander करते हैं, पूरा करते हैं, it opens a Pandora's box of new desires, तो यह नए इच्छाओं की एक Pandora's box खोल देता है। देखो open Pandora's box क्या था, जहां पे पेंडोरा का बॉक्स था जिसमें से भूत दूध सब निकलता था, मतलब अप्रिय चीजें सब निकलता था और उसे क्या होता था, जिसको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता था। ठीक है, मतलब ये ऐसी समस्या उत्पन्न कर देगी जिसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इफ यू पेंडर टू द अनप्लेजेंट और अनडिजायरेबल विशेज ऑफ समवन, अगर आप कोई अप्रिय और अवांछित इच्छाओं, किसी व्यक्ति का अवांछित इच्छाओं पे को पेंडर करते हैं, संतुष्ट करते हैं, यू सेटिस्फाई देम, आप उसे संतुष्ट करते हैं। यू डू एवरीथिंग ही वांट्स, वो जो भी चाहता है वो आप करते हैं। ऑफन टू गेट सम एडवांटेज फॉर योरसेल्फ, अक्सर अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए। पेंडोराज बॉक्स इज ए बॉक्स इन ग्रीक माइथोलॉजी फ्रॉम विच मेनी इल्स वर रिलीज्ड ऑन माइंडकाइंड। पेंडोराज बॉक्स एक बॉक्स था ग्रीक माइथोलॉजी पौराणिक ग्रंथ के अनुसार, जिसमें बहुत सारी बुराइयां थी, मेनी इल्स, इल्स मतलब क्या हो गया यहाँ, बुराइयां, बुराइयां थी
इसको रिलीज किया गया, छोड़ दिया गया ऑन माइनकाइंड, मानव जाति के ऊपर। सो इफ समथिंग ओपन्स ए पेंडोराज बॉक्स, अगर कोई भी चीज एक पेंडोराज बॉक्स को खोल देता है, मतलब इट जनरेट्स मेनी न्यू अनमैनेजेबल प्रॉब्लम्स, अर्थात यह बहुत सारे ऐसे समस्याएं खड़ा कर देता है जिसको मैनेज करना मुश्किल है। इट इज ए पैराडॉक्स दैट कॉम्युनल राइट्स अकर इन इंडिया, यह एक विरोधाभास है। इट इज ए पैराडॉक्स दैट कॉम्युनल राइट्स अकर इन इंडिया, अकर मतलब होना, कि भारत में सांप्रदायिक दंगे होते हैं, राइट्स मीन्स दंगा, या एक विरोधाभास है कि भारत में सांप्रदायिक दंगे होते हैं। ए पैराडिगम, पैराडिगम का मतलब होता है एग्जाम्पल, उदाहरण ऑफ सेक्युलरिज्म, जबकि भारत क्या है, सेक्युलरिज्म का, धर्म निरपेक्षता का एक क्या है, उदाहरण है, पैराडिगम में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मॉडल है। ए पैराडिगम इज ए मॉडल और एन एग्जाम्पल फॉर समथिंग, पैराडिगम किस चीज का एक मॉडल होता है या एग्जाम्पल होता है। ए पैराडॉक्स इज ए सिचुएशन, पैराडॉक्स एक ऐसी स्थिति होती है विच इन्वॉल्व्स टू और मोर कॉन्ट्रेडिक्टरी फैक्ट्स और क्वालिटीज, जिसमें दो या दो से अधिक विरोधाभासी, कॉन्ट्रेडिक्टरी मतलब क्या होता है, विरोधाभासी मतलब उल्टा, विरोधाभासी तथ्य होते हैं और गुण होते हैं, इसका भी मतलब हो गया विरोधाभासी। If India is a paradigm of secularism, अगर भारत धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है, उदाहरण है, we expect it to be free from communal rights, तो हम उम्मीद करते हैं कि यह यहाँ पे बिल्कुल ही सांप्रदायिक दंगे नहीं होने चाहिए। But communal rights do occur, लेकिन सांप्रदायिक दंगे होती रहती है। This is known as a paradox, और यही क्या है, विरोधाभासी है। If we do not wish such a paradoxical situation, it is of paramount importance that we get to the roots of communal hatred. कहता है कि अगर हम चाहते हैं कि यह विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न ना हो, तो paramount होता है महत्वपूर्ण, utmost, supreme, महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण और अत्यधिक, इसको अत्यधिक भी कह सकते हैं। पैरामाउंट इंपोर्टेंस, अत्यधिक महत्व है, पूर्ण बात है कि हम इसके जड़ में जाए, अगर सांप्रदायिक नफरत इस वजह से होती है, इसके जड़ में जाए, अदरवाइज अन्यथा हेक्टिक, देखो हेक्टिक की मतलब होता है व्यस्तम, पार्लेस विल बी हेल्ड विथ नो रिजल्ट, तो पार्लेस का मतलब क्या होता है, दो पक्ष के बीच समझौता करवाना, पार्लेस मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे समझौता, तो कहता है हेक्टिक, हेक्टिक मतलब क्या होता है, व्यस्तम, हेक्टिक शेड्यूल बोलते हैं ना, हेक्टिक पार्लेस विल बी हेल्ड विथ नो रिजल्ट, कहते जाए लाख समझौता पे समझौता किया जाए, लाख मीटिंग पे मीटिंग किया जाए, कोई परिणाम नहीं निकलेगा। देखते हैं पार्ले क्या होता है। ए पार्ले इज ए डिस्कशन, पार्ले एक वार्ता होती है बिटवीन टू अपोजिंग पीपल, दो विपरीत लोगों के बीच और ग्रुप समूह के बीच, इन विच बोथ साइड्स, इसमें दोनों साइड्स ट्राई टू कम टू एन एग्रीमेंट, दोनों एक सहमति पर आने की कोशिश करते हैं। द लीडर शुड राइज अबव पैरोशियल इंटरेस्ट्स, पैरोशियल मतलब होता है क्षेत्रीय, तुच्छ, लिमिटेड। द लीडर शुड
राइज एवं पैरिचुअल इंटरेस्ट नेताओं को चाहिए कि अपने क्षेत्रीय और छोटे मोटे लाभों से ऊपर उठ के बात करें। पैरिचुअल मीन्स ऑफ पेरिस, पैरिचुअल का मतलब होता है पेरिस का। पेरिस क्या है? ये पेरिस इज ए विलेज और पार्ट ऑफ ए टाउन, पेरिस एक गांव है या शहर का एक हिस्सा है, विच हैज इट्स ओन चर्च एंड क्लर्जी मैन, इसके अपने चर्च है और उसके अपने पादरी है, ये होता है पादरी, फादर होता है ना। इफ यू आर पैरोचियल, अगर आप पैरोचियल है, यू थिंक ओनली ऑफ योर ओन पैरिस, मतलब आप अपने जगह के बारे में सोचते हैं, दैट इज यू आर टू कंसर्न विद थिंग्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर सेल्फ, अर्थात आप उन चीजों की चिंता करते हैं सीधे सीधे जो सीधा सीधा आपसे जुड़ा हुआ हो। इन डूइंग सो, ऐसा करने के दौरान यू ऑफन निग्लेक्ट, अनदेखा कर देते हैं, निग्लेक्ट मीन्स अनदेखा कर देना, आप अक्सर अनदेखा कर देते हैं मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ज्यादा महत्वपूर्ण चीजों को। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, दैट विच इज पैरोचियल, जो भी चीज पैरोचियल होता है, इज लिमिटेड, वो सीमित होता है और नैरो, संकीर्ण होता है, इन रेंज मतलब दायरे में। चलिए इसका हम लोग एक बार पूरा हिंदी लगा लेते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। His son took the advice and succeeded. उसका बेटा ने सलाह माना और सफल हुआ। When you succeed, जब आप सफल होते हैं, pines of glory are sung to you, तो आपके लिए जीत के खुशी के गीत गाए जाते हैं, आपके गौरव के गौरव में गाए जाते हैं, शान में गाए जाते हैं। A pine is a joyous song of praise, thanks or victory. Pine जो होता है प्रशंसा या धन्यवाद या जीत की खुशी भरा गीत होता है। In order to succeed, सफल होने के लिए, you must be clever, आपको चालाक होने की आवश्यकता है, as well as painstaking, आपको सावधान होने की जरूरत है। If you are painstaking, अगर आप painstaking हैं, you are very careful and thorough, आप सावधान रहते हैं और कोई भी चीज को पूरी तरह से करते हैं। Once you have succeeded, एक बार जब आप सफल हो जाते हैं, you may allow yourself some freedom, तो आप अपने आप को कुछ स्वतंत्रता दे सकते हैं। You may paint the town red, आप शहर में घूम घूम कर मस्ती कर सकते हैं, enjoy कर सकते हैं। If you paint the town red, अगर town paint the town red करते हैं, तो you go out, आप बाहर जाते हैं, have an extremely good time, आप खूब आनंद करते हैं। Usually साधारण तौर पे to celebrate something, खास करके कुछ मना करके उसका enjoy करके। संगीता turned pale at the sight of blood. ब्लड को देखते ही संगीता बीमार सी हो गई, पीला पड़ गई, उजला पड़ गई। That which is pale is very light in color, कोई भी चीज जो पेल होता है वो रंग में बहुत हल्का हुआ आता है। It is almost white, ये लगभग उजला होता है। If you turn or look pale, अगर आप पीला या उजला पड़ जाते हैं, मतलब your face looks lighter color than usual, आपका चेहरे का रंग हल्के रंग का हो आता है, जैसा होता है उस गहरे रंग से कम हो आता है, because you are ill, क्योंकि आप बीमार होते हैं, frightened डरे होते हैं और shocked सदमे में होते हैं। Therefore, इसलिए if something pales, अगर कोई भी चीज pales करता है, it becomes dull, तो यह नीरस बन जाता है, सुस्त बन जाता है। If A pales beside or in comparison with B, अगर A B के तुलना में pales करता है, मतलब A is made to seem much less important, serious or गुड बाई बी, तो बी के द्वारा ए को बना दिया जाता है कम महत्वपूर्ण, कम गंभीर या कम अच्छा। संगीता's fear at the sight of blood was palpable. संगीता का जो डर था ब्लड को देख करके स्पष्ट रूप से समझा जा सकता था, एकदम दिख रहा था स्पष्ट रूप से। इफ समथिंग इज पल्पेबल, अगर कोई भी चीज पल्पेबल है, इट इज ऑब्वियस, एकदम स्पष्ट है और इंटेंस तीव्र है, एंड इजिली नोटिस्ड, इसे आसानी से देखा जा सकता है। I do not know why Sangeeta paled. मुझे नहीं मालूम संगीता क्यों पीला पड़ गई। There were only a few drops of blood. केवल कुछ ही खून के बूंद वहाँ थे। A paltry amount, बहुत तुच्छ मात्रा में। Paltry is used to describe something that you consider to be very small or unimportant. Paltry उस चीज के वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो कोई चीज बहुत कम महत्वपूर्ण हो, तुच्छ हो। मिस्टर सेठ, ए रिच मैन, मिस्टर सेठ एक अमीर आदमी, पैम्पर्ड हिज सन, अपने बेटे को दुलार प्यार दिया।
एंड स्पॉइल्ड हिम, और उसको बिगाड़ दिया। इफ यू पैम्पर समवन, अगर आप किसी को पैम्पर करते हैं, यू पे टू मच अटेंशन टू मेकिंग हिम फील कंफर्टेबल एंड हैप्पी, आप उसको आराम पहुंचाने के लिए या खुश करने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। यू गिव हिम एक्सपेंसिव और लग्जूरियस गिफ्ट्स, आप उसे महंगे और आरामदायक गिफ्ट्स देते, उपहार देते हैं। Sometimes these gifts have a bad effect on his character. कभी-कभी इस gifts का उसके character पर चेंज पे बहुत बुरा असर पड़ता है। Pampering your children is not a panacea for the troubles they create. कहता है बच्चों को pamper करना, ज़्यादा दुलार प्यार देना उसके समस्याओं का रामबाण नहीं है, इलाज नहीं है। A panacea is that which puts right all troubles, solves all problems. Panacea वो चीज होती है जो सभी समस्याओं को ठीक कर देता है या सभी समस्याओं का हल निकाल देता है। In fact, if you pander to all their wishes, अगर आप उसके सारे इच्छाओं को संतुष्ट करने लग गए हैं, it opens a Pandora's box of new desires, तो फिर से उसके नए नए इच्छाओं के एक भानुमति का पिटारा खुल जाएगा। वैसे इसका हिंदी होता है भानुमति का पिटारा। If you pander to the unpleasant or undesirable wishes of someone, अगर आप किसी व्यक्ति के अप्रिय या अवांछनीय इच्छाओं को पेंडर करते हैं, मतलब संतुष्ट करते हैं, यू सेटिस्फाई देम, आप उसे संतुष्ट करते हैं। यू डू एवरीथिंग ही वांट्स, वो जो भी चाहता है वो आप पूरा करते हैं। ऑफन टू गेट सम एडवांटेजेस फॉर योरसेल्फ, अक्सर आप अपने फायदे के लिए। पेंडोराज बॉक्स इज ए बॉक्स इन ग्रीक माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी ग्रीक पौराणिक ग्रंथ के अनुसार पेंडोराज एक बॉक्स था, from which many ills were released on mankind, जिसमें से मानव जाति पर बहुत सारी बुराइयों को निकाल दिया गया, निकाल करके मानव जाति पर डाल दिया गया। So if something opens a Pandora's box, अगर कोई भी चीज Pandora's box को खोलता है, मतलब it generates many new unmanageable problems, अर्थात उसके खुलते ही बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है जिसको नियंत्रित करना मुश्किल हो। It is a paradox that communal rights occur in India. यह एक विरोधाभास है कि भारत में सांप्रदायिक दंगे होते हैं। A paradigm of secularism. क्यों? क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष का क्या है? मॉडल है, उदाहरण है। A paradigm is a model. एक paradigm एक मॉडल होता है, और an example of something, किसी चीज का बहुत बढ़िया example होता है। A paradox is a situation which involves two or more contradictory facts or qualities. पैराडिक्स एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें दो या दो से अधिक विवादास्पद तथ्य या गुण शामिल होते हैं। कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब जो विरोधाभास, आपस में एक दूसरे से मेल ना खाए। इफ इंडिया इज ए पैराडिगम ऑफ सेक्युलरिज्म, अगर भारत धर्मनिरपेक्षता का पैराडिगम है, उदाहरण है, वी एक्सपेक्ट इट टू बी फ्री फ्रॉम कम्युनल राइट्स, तो हम इसे उम्मीद करते हैं कि यहाँ कोई भी सांप्रदायिक दंगे नहीं होने चाहिए, सांप्रदायिक दंगों से यह मुक्त होना चाहिए। But communal rights do occur. लेकिन सांप्रदायिक दंगे यहाँ होती है। This is known as paradox. यही तो विरोधाभास है। If we do not wish such a paradoxical situation, अगर हम चाहते हैं कि ऐसे विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न नहीं हो, it is of paramount importance, मतलब ये बहुत अधिक आवश्यक है कि we get to the roots of communal hatred, कि सांप्रदायिक नफरत के जड़ में पहुंचे। Otherwise, अन्यथा hectic parleys will be held with no result. अन्यथा चाहे कितना भी व्यस्त समझौता समझौता मीटिंग पे मीटिंग आप कर लो, उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। ये पार्ले इज अ डिस्कशन, पार्ले एक ऐसी वार्ता होती है बिटवीन टू अपोजिंग पीपल, दो विपरीत दो विरोधी लोगों के बीच और ग्रुप समुदाय के बीच, इन विच बोथ साइड्स ट्राई टू कम टू एन एग्रीमेंट, जिससे जिसमें दोनों पक्ष चाहते हैं कि किसी समझौते पे पहुंच जाए। द लीडर शुड राइज अबव पैरोशियल इंटरेस्ट, नेताओं को चाहिए कि वह क्षेत्रीय लाभ से ऊपर उठ के बात करें। पैरोचियल मीन्स ऑफ ए पैरिस, पैरोचियल का मतलब होता है जो पैरिस हो। पैरिस क्या है? ए पैरिस इज अ विलेज और पार्ट ऑफ ए टाउन विच हैज इट्स ओन चर्च एंड क्लर्जीमैन। पैरिस एक गांव है या शहर का एक हिस्सा है जिसके पास अपना चर्च है, अपना पादरी है। इफ यू आर पैरोचियल, अगर आप पैरोचियल है, यू थिंक ओनली ऑफ योर टाउन पैरिस, केवल आप अपने शहर पैरिस के बारे में सोचते हैं। दैट इज अर्थात यू आर टू कंसर्न विद थिंग्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर सेल्फ, अर्थात आप उन चीजों के बारे में सीधा सोचते हैं जिसका सीधा सीधा संबंध आपसे हो, जिससे आपको फायदा होगा।
इन डूइंग सो ऐसा करने के दौरान यू या ऐसा करने में यू ऑफन निगलेक्ट मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स, बहुत महत्वपूर्ण चीजों को क्या करते हैं, अनदेखा कर देते हैं. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, दैट विच इज पैरोचियल इज लिमिटेड, जो चीज पैरोचियल होता है वो सीमित होता है, नैरो संकीर्ण होता है, इन रेंज दायरे में. थैंक यू.